संदीप जी का सवाल है अदानी टोटल गैस के बारे में। इन्होंने खरीद रखा है 535 के भाव पे, मंथली चार्ट में ड्रैगन फ्लाई 2G कैंडल बन रहा है और ये 50 EMA को टच करेगा या नहीं करेगा। अब 50 EMA जो है वो तो है 2000 के ऊपर। काफी हफ्तों के बाद आया ना अदानी टोटल। जी, एटलीस्ट थोड़ी राहत दी गई इसको। अच्छा देखिए, फिर अदानी टोटल में थोड़ा सा स्यूडो ब्रेकडाउन तो हो चुका था, अब वो स्यूडो है एक्चुअल है मुझे अभी अंदाजा नहीं लगा। रिजल्ट भी मुझे नहीं पता, रिजल्ट आ गया था अदानी टोटल। रिजल्ट तो आ गया है एंड यही तो दिक्कत है ना। फिर आप कह रहे हैं 130 का पी जस्टिफाई करने विद 1% ऑफ सेल्स ग्रोथ, मुझे इसमें तकलीफ लगती है। लेकिन अब प्रॉफिट में बहुत जबरदस्त उछाल है, अब उसका कारण ढूंढना होगा क्या है। बहुत ज़्यादा कारण क्लियर नहीं है अभी यहाँ पे मुझे ऑफन, बट प्रॉफिट जून क्वार्टर से देखे तो ठीक है, क्यूओक्यू काफ़ी है लेकिन जून क्वार्टर के ऊपर ठीक है, फ्लैटिश प्रॉफिट नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। मेरा अंदाजा ऐसा है कि ये प्रॉफिट ग्रोथ में तो 130, 120, 150 पी ये जस्टिफाइड नहीं हो सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बेकिंग करने के लिए बोलेगा आपको आने वाले क्वार्टर्स का नंबर। तो ये वैल्यूएशन सस्टेन होने के लिए आपको 50-60% के एनुअल ग्रोथ में जाना पड़ेगा, उस ग्रोथ के बगैर ये वैल्यूएशन सस्टेन नहीं होना चाहिए। फिर भी सस्टेन हो रहा है, भगवान ही जाने कैसे हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि इसका ब्रेकडाउन हो चुका था, अब वो स्यूडो इन नेचर है नहीं है मुझे नहीं पता, रिजल्ट आ गया है इसलिए थोड़ा स्क्वीज हो सकता है। 650 के ऊपर वापस अगर रिटेन कर लेता है तो मे बी जो सांस छूट गई थी इसकी वापस आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं है। 650 के नीचे वीक था, वीक है, वीक रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर से इसको देखेंगे, अभी इसके उससे ज्यादा कोई कॉल लेना ठीक नहीं। जी तो अभी इनको करना क्या चाहिए, क्योंकि 635 पे इन्होंने खरीदा है अगर तो चलिए ठीक है, मतलब खरीद भाव ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर खरीदा हुआ है, लेकिन जो इनकी नज़र पता नहीं 50 EMA ये 2064 पर कैसे देख रहे हैं ये तो मेरी समझ में नहीं आया। अगर सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो 665 पर है तो EMA भी इससे बहुत अलग नहीं होगा। देखिए वैसे मैं 50 EMA देखिए आप बोलेंगे तो फटाफट 2 मिनट के लिए आपका ट्यूटोरियल कर दूंगी, बस EMA DMA बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरा कुछ उसका जी जरूर। देखिए आप जब EMA देखते हैं ना, EMA एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन को लॉग नॉर्मल करता है, मतलब जो लेटेस्ट डेटा है उसका वेट ज्यादा होता है। आप लेटेस्ट डेटा का वेट ज्यादा क्यों चाहते हैं, बिकॉज आप लेटेस्ट की चीजों को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, विच मींस आप शॉर्टर टर्म का इवैल्यूएशन करें तो ये में आपको ज्यादा बेटर आइडिया देगा। मतलब आप मिनट वाले चार्ट देखें, आवर वाले चार्ट में ये में बेहतर लगता है, मे बी 10 दिन वाले चार्ट देखें, 20 दिन वाले चार्ट देखें, ये में ठीक है। 50, 100 ये सब जो चीजें हैं ना, 200 ये सब जो है ये सब बड़े लंबे समय की चीज है, और मुझे नहीं लगता कि इस लंबे समय की चीज में आपको सिर्फ पहले वाली चीजों को ज्यादा वेट देना चाहिए। मुझे लगता है इसमें आपको DMA ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा मेरा, मैं ऐसा फॉलो करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, इसका मतलब नहीं है कि यही सच है बाकी और कुछ नहीं। मैं जो थियरी क्यों फॉलो करता हूँ वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 50 EMA से ज्यादा बेहतर रहेगा 50 TMA देखना, बिकॉज EMA ब्रीच हो जाते हैं, DMA अपने आप में ब्रीच हो सकता है, बिकॉज 3 different लेवल के DMA डिपेंडिंग अपॉन कौन से प्राइसेस आप लेते हैं। मेरा ये कहना है कि EMA मुझे पता नहीं आप कितने लेवल पे देखा है इन्होंने, मैं एक्सप्लेन के चक्कर में करना, इन्होंने तो देखा है 2000 के ऊपर लेकिन 700 के आसपास होना चाहिए, 702 पर शायद होना चाहिए जो मेरे सिस्टम के हिसाब से देख रहा है। 2000 के ऊपर इन्होंने कौन सा EMA देखा, 50 EMA पता नहीं, लिखा तो है इन्होंने 50 EMA लेकिन हो सकता है इन्होंने गलती से 200 EMA देख लिया ऊपर देखा 50 WMA वीकली मूविंग एवरेज, वो EMA नहीं है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अच्छा वीकली चार्ट पर इन्होंने देखा होगा तो हाँ वो लगे हाथ कंफर्म हो जाएगा। हाँ क्या देखिए बहुत ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि जब अपने पास पोजीशन होता है तब
हम चीजों को अपने फेवर में देखने की कोशिश करते हैं, और यही इसी को बिल्कुल बोलते वो पचास हफ्तों का मूविंग एवरेज जो है, सिंपल मूविंग एवरेज भी वो होगा, वो 2064 पर है। तो इन्होंने पहली चीज ईए में नहीं, वो असल में सिंपल मूविंग एवरेज ही देखी आपने, 50 हफ्तों का देखा, 50 दिनों का नहीं, और वो 2064 पर ज़रूर आ रहा है इस समय। तो जो इन्होंने देखा है, नंबर गलत नहीं देखा है, लेकिन उसे लिखने में इन्होंने गलती कर दी है। करेक्ट। एनीवेज वो डिस्कशन का मेरे हिसाब से कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा सिर्फ इतना है कि स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो चुका था, अब स्यूडो इन नेचर है या एक्चुअली होगा, 650 आपको बताने वाला है। अगर उसके नीचे स्टॉक हमेशा रहता है तो मे बी अगेन फिर से थ्रेट ओपन हो रहा है। गिवन द नेचर ऑफ रिजल्ट मेरा कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है, ऐसे रिजल्ट में मैं इतना वैल्यूएशन नहीं दे सकता हूँ, भले मेरे कहने से स्ट्रीट नहीं वैल्यू करने लगेगा लोअर, लेकिन मैं नहीं दे सकता इतनी वैल्यूएशन जब तक सामने रिजल्ट नहीं देखे, या इवन एक्सपेक्टेशन देखने के लिए कब सामने, चार क्वार्टर तो देख चुके ना, नहीं आ रहा रिजल्ट। 50% का एनुअलाइज सेल्स ग्रोथ चाहिए, ये वैल्यूएशन सस्टेन होगा। देखिए अगर ईजी 1 नहीं भी 1.5 भी लेके जाए, टॉलरेंस लेवल वही हम बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाए, तब भी कम से कम 50% का ग्रोथ नहीं देंगे, कहाँ से सस्टेन करने, मतलब सेंसिबल तो नहीं लगता मुझे, मेरा ऐसा मानना है। एनीवेज 650 देखिए इज द की फॉर मी, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं, री रीडिंग करते हैं, बाकी इससे ज्यादा डिसीजन नहीं लेते हैं, बायस अभी भी पॉजिटिव नहीं कह सकते जी। तो चलिए अदानी टोटल के बारे में ध्यान रखिए, और आप खुद एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को देखते पर रखते हैं, चार्ट खुद समझने की कोशिश करते हैं, ये सारी बातें अच्छी है, बस थोड़ा सा उसमें आपको अपने आप को और रिफाइन करना है, जिससे आप ये चीज़ें ठीक से समझ पाएँ कि अच्छा आप क्या देख रहे हैं, कौन सा इंडिकेटर देख रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, और किस चीज़ के लिए आपको कौन सा इंडिकेटर देखना है, उसके बारे में थोड़ी और पढ़ाई लिखाई करें। आप उस रास्ते पर बढ़ चुके हैं, आप सही रास्ते पर बढ़ चुके हैं, लेकिन बस थोड़ा सा और आपको अपने आप को बेहतर करने की, रिफाइन करने की ज़रूरत है।